हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं मदरवा का रहने वाला हूँ। आज की वारदात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ सब लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। बड़े दुख पूर्वक मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आज मैं अपने शकुंतला थिएटर के नीचे जहाँ से कट है बक्शनगर की तरफ, वहाँ की तरफ जा रहा था। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो नीचे से आई, जिन्होंने मुझे हाथ दिया और मैंने बाइक रोकी, और उतरते ही उन्होंने क्या किया, मेरी बाइक की चाबी निकाली और मुझे माँ बहन की गाली देते हुए थप्पड़ मारे। तो उसके बाद उन्होंने सामने खड़े ट्रैफिक वालों को जो है गाली देके बुलाया और बाइक सीज करवा दी। तो बहुत दुख पूर्वक मुझे ये बोलना पड़ रहा है, वो जो है श्री बसंत रथ सर थे, उन्होंने ऐसा किया। काफ़ी अच्छा नाम सुना था उनका, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो आम पब्लिक के साथ ऐसा कुछ। ना उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, ना उन्होंने मुझे मेरा लाइसेंस चेक किया। उन्होंने गाड़ी से उतरते ही मुझे जो है थप्पड़ मारना शुरू किया और माँ बहन की गाली देनी शुरू की। तो दोस्तों, मैंने हर एक जगह अपना बात की, वकीलों से बात की, दोस्तों से बात की, तो सब ने मुझे मना किया कि ये चीज़ मत कर, कोई भी मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए मुझे जो है पर्सनल अपनी फेसबुक से ये जो है शेयर करनी पड़ रही है। तो आम पब्लिक को हरास किया जा रहा है, ये पुलिस का गुंडाराज जो है ये नहीं चलेगा ऐसे। ये बसंत रथ सर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हरकत की मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। कि आज उन्होंने मेरे साथ किया, कल वो किसी के साथ भी कर सकते हैं, आम पब्लिक को हरास कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, बच के रहिए, पुलिस का गुंडाराज है। और मैंने जिन जिन से बात की, उन्होंने बस यही चीज़ मुझे एडवाइस की कि नीरज उनके खिलाफ मत जाओ, वो कल को तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो तुम्हारे खिलाफ किसी ड्रग्स का मामला डाल के तुम्हें अंदर कर सकते हैं, कोई भी उल्टा केस डाल के तुम्हें अंदर कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे स्कोप रहते हैं, वो तुम्हें किसी भी तरीके अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं उन चीज़ बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ। और मैं हाँ, बसंत रथ सर को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आप अपना होल्ड रखना ही चाहते हैं जम्मू के बीच में, तो आम आदमी को तंग करके, आम पब्लिक को तंग करके अपना होल्ड मत बनाएं। अगर आपको कुछ करना ही है तो क्रिमिनल्स को पकड़ें, बाकी सबको पकड़ें। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।